दोस्तों, मैं रत्नाली वर्मा और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फूड एंड स्टिचिंग में। दोस्तों, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खुश होने का दो रीज़न है दोस्तों। पहला रीज़न ये है कि आज मेरा फर्स्ट फेस कैम वीडियो है और सेकंड रीज़न ये है कि मैं और मेरी भाभी जो मिल करके 6 महीने से मेहनत कर रहे थे, उस मेहनत का फल आ चुका है। मतलब कि हमारे यूट्यूब पेमेंट आ चुका है, जो हम लोगों ने 6 महीने से मेहनत कर रहे थे उसका पेमेंट आ चुका है। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि कितना पेमेंट आया और उस पेमेंट का मैंने क्या किया, और ये वीडियो बनाते वक्त जब हम लोग वीडियो बनाते थे तो क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो मैं आपसे बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे शेयर कर दूँ कि अपने चैनल का नाम हम लोग ने फूड एंड स्टिचिंग क्यों रखा। तो दोस्तों, रीज़न ये था कि मुझे कुकिंग बनाना, मतलब खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है और लोग बोलते भी थे कि तुम खाना, अभी बोलते हैं कि तुम खाना बहुत अच्छा बना लेती हो, तो सुन करके और भी अच्छा लगता है, तो और भी अच्छे से मतलब जो भी होता है अच्छे से बनता है। और स्टिचिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि मेरी भाभी को सिलाई करने बहुत अच्छा आता है और वो लॉकडाउन में भी और अभी भी लड़कियों को, कई लड़कियाँ आती हैं घर पर सीखने के लिए तो वो सिखाती भी हैं, तो इसलिए अपने चैनल का नाम हम लोगों ने फूड एंड स्टिचिंग रखा। स्टार्टिंग दोस्तों हम लोग कहाँ से किए ये मैं आपसे बता दूँ। लॉकडाउन में 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो सभी लोग अपना यूट्यूब पे थे, आप लोग भी होंगे यूट्यूब पे देख करके कुछ ना कुछ बनाना सीखते होंगे, या फिर समझिए एक टाइम पास, लोग यूट्यूब पे ज़्यादा आ गए थे तो यूट्यूब पे से देख करके लोग सीखते थे, तो उसी तरीके से हम लोग भी अपना देखते थे, कुछ भी कुकिंग हुआ, स्टिचिंग हुआ, जो भी, तो हम लोग यूट्यूब पे जा करके देखते थे और वही चीज़ें बनाते थे। तो पता है ये मन में हम लोग के कब आया कि हम लोग भी यूट्यूब चैनल बनाएं, हम लोग के बड़े भैया बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, उन्होंने कहा कि तुम लोग के अंदर इच्छा, इतना अच्छा टैलेंट है तो तुम लोग खुद क्यों नहीं अपना चैनल बनाती हो, जिससे लोग तुम लोग को सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू तुम लोग को देखे और तुम लोग की चीज़ों से सीखे, तो तुम लोग खुद का अपना चैनल बनाओ। तो उनकी बातें बहुत अच्छी लगी, तो हम लोगों ने क्या किया, अपना खुद का चैनल फूड एंड स्टिचिंग स्टार्ट किया। तो उस पर कभी मैं कुकिंग का डालती थी तो कभी भाभी स्टिचिंग का डालती थी, इसी तरह डालते डालते 3.5 महीने लग गए हम लोग के चैनल को मोनेटाइज होते हुए। तो दोस्तों, बहुत जल्दी हम लोग का चैनल मोनेटाइज भी हो गया, कितने लोग का तो बहुत दिन लग जाता है, तो इसलिए जल्दी हम लोग का हो गया क्योंकि जो कंटेंट था वो हम लोग का खुद का था, क्योंकि इधर से नहीं था, हम लोग खुद बनाते थे अपना, खुद रिकॉर्ड करते थे, तो खुद का था इसलिए बहुत जल्दी हो गया। और दोस्तों, जब हम लोग वीडियो बनाते थे तो बहुत मेहनत लगता था, जब भाभी स्टिचिंग करती थी तो मैं मोबाइल लेकर के रिकॉर्ड करती थी क्योंकि हम लोग के पास स्टैंड नहीं था, और जब मैं कुकिंग करती थी तो मैं भाई और मेरी भाभी हाथ में लेकर के वीडियो रिकॉर्ड करते थे, और रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि 1.5-2 घंटा तक दोनों लोग हाथ में लेकर के और मैं खुद हाथ में लेकर के रिकॉर्ड करते थे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, लेकिन उस मेहनत का फल अब आ चुका है तो बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है कि हाँ चलो, जो मेहनत हम लोग किए थे उसका फल आ चुका है। और दोस्तों, अगर आप नए यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आप, बहुत सी गलतियां हम लोग से हुई, पहली गलती ये हुई दोस्तों कि हम लोग के घर पे जो भी रिलेटिव या फिर रिलेशन वाले आते थे तो हम लोग क्या करते थे, उनका मोबाइल लेकर के अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देते थे, ये सबसे पहली गलती थी हम लोग की। तो ये गलती आप मत कीजिएगा, अगर खुद से सब्सक्राइबर आपके चैनल पे आ रहे हैं तो उसका बहुत ही अच्छा वैल्यू होता है और यूट्यूब पे वो बहुत अच्छा उसका इम्प्रेशन भी जाएगा, तो ये गलती मत कीजिएगा, खुद से आए सब्सक्राइबर तो ये ठीक है। और दोस्तों, आप ये जब नया चैनल आप बना रहे हो तो लगातार आप 1 से 2 महीने तक अगर रेगुलर वीडियो डालते हो तो उसका इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा होता है, तो आप क्या करना, अगर YouTube पे आप अपना चैनल बना रहे हैं तो पहले ही आप 10-15 वीडियो बना लें, जिससे आपका जो भी वीडियो डालने का टाइम है वो रेगुलर रहे, ऐसा ना हो कि बीच में अगर कोई काम पड़ जाए तो आपके पास वीडियो नहीं है तो आप वीडियो ना अपलोड कर पाओ, तो इसीलिए आप 10-15 वीडियो चैनल बनाने के पहले ही रख लो, जिससे जो भी रेगुलरिटी है वो डेली बना रहे वीडियो का, तो ये सब बातों का आप ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों, तो जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि मोनेटाइज होने के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे चाहिए, वो हम लोग का कम से कम 3 से 3.5 मंथ लग गए पूरा होने में, उसके बाद जो भी प्रोसेस होते हैं वो हम लोगों ने धीरे धीरे पूरा किया, उसके बाद घर पे पिन आया, उसके बाद के जो प्रोसेस होते हैं वो हम लोगों ने धीरे धीरे पूरा किया, ठीक है। इसी तरीके से जब प्रोसेस पूरे हो गया तो दोस्तों पिछले महीने मतलब 21 फरवरी को हम लोग का पेमेंट आ गया था,
कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए हम लोगों ने वीडियो मतलब अपलोड नहीं कर पाया, तो अभी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान देना है। और दोस्तों एक और मेरा चैनल है रत्ना वी आर्ट, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूँ, रत्ना वी मेरे चैनल का नाम है रत्ना वी आर्ट, और उसका मतलब ये है कि कलरफुल पेपर से और आप फ्लावर कैसे बनाएं, फ्लावर पॉट कैसे बनाएं, और घर को डेकोरेशन के लिए ये सब चीज़ें कैसे बनाएं, और उसमें रंगोली भी है, आप देख करके उसे सीख भी सकते हो। तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है? तो एक और मतलब आप उसे जा करके देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अब मैं आपसे शेयर करूंगी कि कितना हमारा पेमेंट आया। तो इस पे यूट्यूब पे ये नहीं बताना होता है कि कितना आया, तो मैं आपको एक अंदाज़ा बता दे रही हूँ, आप उसे चेक कर सकते हो। तो रियलमी C15 मोबाइल आता है, तो आप जा करके चेक कर सकते हो कितने का आता है। तो समझिए उतना ही मेरा पेमेंट आया था, फर्स्ट पेमेंट आया था। तो इसी तरीके से अगर हम लोग और भी मेहनत करें तो और भी आगे बढ़ सकता है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने स्टार्ट किया। और दोस्तों यूट्यूबर बनना बहुत ही मतलब आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो इसकी जैसे होता है ना, लोग देखते हैं तो बोलते हैं अरे यार ये तो बस नॉर्मल वीडियो डाल दे, लेकिन उस वीडियो के पीछे जो हम लोग एडिटिंग या फिर कुछ भी करते हैं तो उसका बहुत ही मेहनत होता है। तो जब मेहनत का फल आता है तो बहुत अच्छा लगता है। उसी तरीके से मुझे और मेरी भाभी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जब हम लोग का फर्स्ट पेमेंट आया, ठीक है? तो जब वीडियो मैं नहीं चाह रही हूँ कि वीडियो लंबा हो, तो इसलिए मैं अभी इतना ही रहने देती हूँ। मैं अपने अगले वीडियो में बताऊँगी कि फर्स्ट पेमेंट का हमने और मेरी भाभी ने क्या लिया। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है? थैंक यू।